ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने सुरेश रैना पे मतलबी होने के इल्जाम लगा दिए? क्यों लोगों ने रोहित शर्मा से कहा कि आज के बाद कभी भी दाढ़ी मत उगाना? चहल ने क्यों कहा था विराट कोहली को एहसान फरामोश? आज की वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्रिकेट वर्ल्ड की वो अनसुनी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपके हक के फक के भौचक के निकल जाएंगे। नंबर 7, तो क्या आपको पता है कि साल 2012 से लेके साल 2023 तक वो कौन से इंडियन बॉलर्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हर साल सबसे ज्यादा विकेट लिए थे? 2012 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे रविचंद्रन अश्विन, 2013 में भी अश्विन, 2014 में ईशान शर्मा, 2015 में अश्विन, 2016 में अश्विन, 2017 में अश्विन, 2018 में बुमराह, 2019 में शामी, 2020 में बुमराह, 2021 में अश्विन, 2022 में बुमराह, 2023 में अश्विन। मतलब मोस्ट ऑफ द इयर्स में जिस बॉलर ने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट छटकाए हैं वो कोई और नहीं, वो है रविचंद्रन अश्विन। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को WTC के फाइनल में ये लग रहा था कि अश्विन को ये फाइनल नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 6, अब जहां अश्विन की बात निकली आई है तो लगे हाथ में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में वो कौन से बॉलिंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने साथ में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं? चौथे नंबर पे आती है अश्विन जडेजा की जोड़ी जिन्होंने चटकाए हैं 486 विकेट। तीसरे नंबर पे आती है ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की जोड़ी जिन्होंने चटकाए हैं 541 विकेट। दूसरे नंबर पे आती है स्टार्क और लियोन की जोड़ी जिन्होंने चटकाए हैं 612 विकेट। और पहले नंबर पे आती है जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी जिन्होंने चटकाए हैं 1031 विकेट। मतलब ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आने वाले कई सालों तक कोई भी बॉलिंग जोड़ी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के 1031 विकेट के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगी। अभी तो मैंने आपको बस दो कमाल की बातें बताई हैं, जब आप बची हुई 5 बातों से परिचित होंगे तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपके हक के बक के भौचक के सब निकल जाएंगे। नंबर 5, तो हाल ही में एक बात चारों तरफ बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है कि रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2023 तक अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं उगानी चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सीरीज शुरू होने से पहले जब रोहित शर्मा वेस्टइंडीज पहुंचे थे तो वो पूरे तरीके से क्लीन शेव्ड थे, लेकिन जैसे ही पहला टेस्ट मैच शुरू होता है तो वापस से रोहित शर्मा हमें उसी अवतार में देखने को मिलते हैं जिसमें देखने की हमें आदत है। तो उसके बाद से लोग उनसे लगातार गुजारिश किए जा रहे हैं कि प्लीज रोहित शर्मा वापस से क्लीन शेव हो जाइए। अब असल में ये जो जनता है ये रोहित शर्मा से दाढ़ी हटाने को इसलिए नहीं कह रही है कि रोहित शर्मा बिना दाढ़ी के कोई बहुत स्मार्ट लगते हैं, वो दाढ़ी में क्लीन शेव के कंपैरिजन में ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, लेकिन असल में जनता उनसे ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में जिस जिस कप्तान ने ODI वर्ल्ड कप जीता है उसमें से एक भी कप्तान की दाढ़ी नहीं थी, लेकिन 4 कप्तान ऐसे जरूर थे जिनकी सिर्फ और सिर्फ मूछें थी। तो इसीलिए लोग जो हैं वो रोहित शर्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आज तक किसी कप्तान ने दाढ़ी के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीता तो उम्मीद कम है कि आप ऐसा करेंगे, तो प्लीज भले ही अंधविश्वास है थोड़ा सा इस अंधविश्वास में हाथ बटाइए और प्लीज क्लीन शेव ही रहिए। वैसे आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे सुन के आपको बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा और सेम टाइम पे एक इंडियन प्लेयर के लिए एक अलग ही लेवल की प्राउड फीलिंग भी आएगी। हाल ही में ICC के द्वारा टेस्ट रैंकिंग अपडेट करी गई और ये देख के हर कोई खुश हो गया कि जो रविचंद्रन अश्विन है वो अब भी नंबर 1 टेस्ट बॉलर है और वहीं पे जो रविंद्र जडेजा है वो भी नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है। लेकिन जब बात आती है टेस्ट बैटिंग रैंकिंग की तो हर किसी को बहुत ज्यादा धक्का लगता है कि एक भी इंडियन प्लेयर उस पूरी रैंकिंग में कहीं भी शामिल नहीं है। जब बात आती है टॉप 10 की, 10वें नंबर पे जो अकेला बैट्समैन इस लिस्ट में शामिल है वो प्लेयर है जिसने पिछले 7 महीने से बल्ला तक नहीं उठाया है और उसका नाम है ऋषभ पंत। सिर्फ इस चीज से ये पता चल जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उससे भी
ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में जो बैट्समैन नंबर वन पे है वो है केन विलियमसन, और केन विलियमसन भी पिछले 3 महीने से क्रिकेट से पूरे तरीके से इनएक्टिव हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा उसके बावजूद भी वो बंदा नंबर वन पे विराजमान है। नंबर थ्री, तो जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा क्या हुआ है कि लोग सुरेश रैना को मतलबी कह रहे हैं, तो आओ तुम्हें इस सवाल का जवाब देता हूँ। हाल ही में सुरेश रैना ने नीदरलैंड्स की सरजमी पे अपना एक रेस्टोरेंट लॉन्च करा और उस रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने 2 फ्रेम भी लगाए। एक फ्रेम में जहाँ सुरेश रैना की जर्सी थी तो दूसरे फ्रेम में महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी थी। तो लोग असल में 2 भागों में बट गए, जहाँ एक भाग ये कह रहा था कि सुरेश रैना ने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए धोनी की जर्सी वहां लगाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरेश रैना के साथ अपनी सिंपैथी रखते हुए और एमएस धोनी की दीवानगी के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को शो करने के लिए उस रेस्टोरेंट में एंट्री करें। तो वहीं पे एक भाग ऐसा भी था जो सुरेश रैना को इस जेस्चर के लिए अप्रिशिएट करते हुए ये कह रहा था कि सुरेश रैना ही धोनी के असली फैन हैं। अगर किसी की इज्जत करनी है तो कैसे करनी है, ये सबको सुरेश रैना से सीखना चाहिए। वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। हाल ही में भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चौहान ने बियर बाइसेप नामक यूट्यूब चैनल पे एक पॉडकास्ट किया, जहां पे उन्होंने आरसीबी पे इतने खतरनाक इल्जाम लगाए, इतने भयंकर इल्जाम लगाए कि हर कोई ये कहने पे मजबूर हो गया कि आरसीबी तुमने चहल के साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। चहल इसी पॉडकास्ट के दौरान बहुत ही ज्यादा भावुक होते हुए ये कहते हैं कि मैंने आरसीबी के लिए 140 मैच खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी की तरफ से कभी भी मुझको कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिला। वैसे जब भी मेरी आरसीबी से बात हुई ऑक्शन से पहले तो मुझसे ये प्रॉमिस करा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी पैसा देना पड़े, हम तुम्हें आरसीबी में वापस ला के रहेंगे। लेकिन जब मुझको आरसीबी ने नहीं खरीदा, जबकि मैं कोई बहुत बड़ी प्राइस का नहीं बिका था, सिर्फ 6.5 करोड़ का बिका था, उसके बावजूद भी आरसीबी ने जब मुझे नहीं खरीदा तो मुझे आरसीबी के मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि आरसीबी वाले मुझे इस तरीके से छोड़ देंगे। मैं आज भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलना मिस करता हूँ। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि आरसीबी ने जब चहल को अपनी टीम में वापस शामिल नहीं किया था वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी? जिसको भी ऐसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर वन, ये जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, इस बात को अपने दोनों कानों को खोल के सुनना। देखो, हाल ही में शाहीन अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपने 100 विकेट कंप्लीट कर लिए और वो इस वक्त पे मात्र 23 साल के हैं और उनके नाम 234 इंटरनेशनल विकेट हैं। मतलब सुनने में ये काफी ज्यादा मनमोहक लग रहा होगा कि मात्र 23 की उम्र में इस बंदे के 234 विकेट हैं, लेकिन आओ तुम्हें मैं ये बताता हूं कि सबसे कम एज में किस खिलाड़ी के पास सबसे ज्यादा विकेट थे। 21 साल की उम्र में जिस प्लेयर के नाम सबसे ज्यादा विकेट थे वो थे राशिद खान और उनके नाम थे 230 विकेट। 22 साल की उम्र में वकार यूनिस के नाम थे 249 विकेट। 23 साल की उम्र में वकार यूनिस के ही नाम थे 345 विकेट। वही 23 साल की उम्र जिसमें शाहीन अफरीदी के नाम है 234 विकेट। और जैसा मैंने बताया कि उसी 23 की उम्र में वकार यूनिस के नाम थे 345 विकेट। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अब ध्यान से सुनते जाओ। 24 साल की उम्र में ही वकार यूनिस के पास सबसे ज्यादा विकेट थे 372 विकेट। 25 साल की उम्र में वकार यूनिस के पास ही सबसे ज्यादा विकेट थे 464 विकेट। फिर से 26 साल की उम्र में ही वकार यूनिस के पास ही सबसे ज्यादा विकेट थे 504 विकेट। 27 में भी वकार यूनिस 548 विकेट। 28 में भी वकार यूनिस 564 विकेट। 29 में भी वकार यूनिस 624 विकेट। 30 में भी वकार यूनिस 689 विकेट। और मैं आपको आज की तारीख पे ये गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले 100 सालों तक ऐसा कोई बॉलर आ ही नहीं पाएगा जो इस मामले में वकार यूनिस को पीछे छोड़ पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या रोहित शर्मा इतिहास के ऐसे पहले कप्तान बनेंगे जो दाढ़ी रखते हुए वर्ल्ड कप को अपने हाथों में उठाएंगे, या फिर रोहित शर्मा को दाढ़ी छिलवा लेनी चाहिए और उन 5 चिन्हों को फॉलो करना चाहिए जो कि पिछले कप्तानों ने करा था? आपका जो भी मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।